टाइटल भी सही है और थंबनेल भी सही है, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी चीज को इजीली याद रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो लेट्स बिगिन, मेरी पॉजिटिव आर्मी शुरू करते हैं इस अमेजिंग कंटेंट के साथ। एंड आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, ताकि आप 5 ट्रिक्स को जानने के बाद आप जरूर से बोले कि हाँ, आई डिड अ राइट चॉइस टू वॉच दिस वीडियो एंड आई इन्वेस्टेड माई 5 to 7 मिनट्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, उस चीज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। आप कहोगे कि सर, मैं ना कभी कभी कॉन्सेप्ट समझे बिना भी याद रख लेता हूं। उसे याद रखना नहीं कहते मेरे दोस्त, उसे कहते हैं रट्टा मारना। और रट्टा जब आप किसी चीज को मारोगे ना, तो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, बट कुछ टाइम के बाद वो आपको याद नहीं रहेगा। और रट्टे का एक और चीज मैं बताऊं आपको, जब हम एग्जाम में स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जो रट्टा मारा है ना, वो याद नहीं आता। आपको देखना, तो जो चीजें आपने समझी होगी और सच होगी ना, उसे बहुत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सेकंड इज टेस्ट योर माइंड और इंस्टेंट टेस्ट। इसके लिए मैं ना आपको फिजिकली समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टेंट टेस्ट, चीजों को याद रखने के लिए ना, आप अपना टेस्ट लीजिए। आप कहोगे कि स्कूल में और क्लास में तो टेस्ट लिया जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं कि हम खुद भी अपना क्यों टेस्ट नहीं ले सकते। डेफिनेटली हम ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते जाते हैं और हमें याद ही नहीं, हमें पता नहीं कि हमें कितना याद रहा, क्या चीज हुई। उसके लिए आपको क्या करना है भैया, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को तुरंत ही सॉल्व करिए और देखिए कि आपको क्या चीजें याद रही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारी जगह से पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपके अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अपनी एग्जाम के लिए आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे कि सर, ये क्वेश्चंस मैं कहां से लेके आऊं, बताऊं कि आपको अगर याद रखना है तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको इस बुक में कवर हो जाएंगे, ओसवाल गुरुकुल की। ये जबरदस्त बुक है, मुझे इसमें पर्सनली ये अच्छी इसलिए लगी क्योंकि सारी चीजें ना एक जगह पे आ जाती। स्टूडेंट का क्या होता है भैया, 3-4 बुक तो उसके पास क्वेश्चन की होती है, बट इतनी रिक्वायर्ड ही नहीं है, और कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन मिलते हैं तो भैया टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटर चीजें आप क्या कर सकते हो, ओसवाल गुरुकुल की ये बेस्ट बुक है। इसमें मैंने ये, मैं जो आपको ये बुक बता रहा हूँ, ये है फिजिक्स की बुक है, क्लास 12 की। ऐसे आपको 10th की भी मिल जाएगी, 12th की कोई भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें कवर है मैं आपको बताऊँ, एमसीक्यू क्वेश्चन कवर है, 900+ क्वेश्चन कवर है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके साथ साथ रीजनिंग असेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कवर है, बोर्ड एग्जाम के जितने भी पास के पेपर है वो सारी चीजें कवर है, और अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से बनाए। यानी कि देखो, मैं तो आपको रिपीटेशन का टाइम सेव हो जाएगा, और इसके साथ साथ इंस्टेंट टेस्ट वाला मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इधर मिल जाएंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन से आप अपना टेस्ट कर पाओगे कि मुझे ये याद रहा कि नहीं रहा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको चीजों को याद रखना है, इंस्टेंट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको कोई ना अलग अलग बुक, 5-7 बुक रखने की कोई जरूरत नहीं, एक बुक में सारी चीजें कवर हो जाएगी। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। काफी टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहती है, बट डेफिनेटली अगर अवेलेबल है तो आप अभी मंगवा लीजिए, क्योंकि ये भैया ना आपका काफी सारा टाइम सेव करने वाली है। थर्ड वन इज रिवाइज मोर एंड मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सॉन्ग याद रहता है, कैसे याद रहता है, क्योंकि आप उसको बार 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 सुनते जाते हो ना, इंग्लिश सॉन्ग हो या कोई अदर लैंग्वेज में भी सॉन्ग हो ना, तो भी हमें वो याद रह जाता है लिरिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार सुनते हैं। सेम चीज़ अपनी स्टडी में अप्लाई होती है, अगर आप उसे बार बार रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा याद रहने लगेगी। तो यस, मेरी पॉजिटिव आर्मी, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। फोर्थ वन इज मेक रिविजन नोट्स। देखो, लॉन्ग चीजें अपने को याद रखने में दिक्कत आती है, वही चीज अगर शॉर्ट चीज होगी तो अपने को याद रखने में इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैं रैंडम मोबाइल नंबर बोलूंगा तो वो आपको याद रखने में डिफिकल्टीज होगी, और वही मैं अगर अपना 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का नंबर बताता हूं तो वो 4 डिजिट का होता है, तो वो अपने लिए ईजी होता है याद रखना। मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का है, और मेरे 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का जो मैं आपको नंबर बताऊंगा वो 4 डिजिट का होगा। तो जो स्मॉल चीजें होती ना, उसे हम ज्यादा तरीके से इजीली याद रख लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी रिविजन नोट जरूर से बनाएं। और उसके लिए भी, जैसे मैंने ओसवाल गुरुकुल की बुक में बताया, वहां पे भी आपको काफी सारी चीजों के समरी मिल जाएगी, बट रिवीजन नोट आप जरूर से बना सकते हो। लास्ट थिंग इज राइट फ्यू क्वेश्चंस एवरीडे। इसको भी मैं ना अच्छी तरीके से फेस कैम के साथ समझाना चाहूंगा आपको, सो हियर इट इज। कहते हैं कि एक बार लिखना यानी कि 7 बार पढ़ाई करना, बट हम लिखते ही नहीं है ना, हम इस चीज से दूर भागते रहते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि यही चीज है जिससे हमें ज्यादा याद रहता है। हम बार 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 पढ़ते रहते हैं और हमें सोचते हैं कि भैया मुझे याद क्यों नहीं रह रहा, तो याद कैसे रहेगा, हमें उसको लिखना पड़ेगा। अपने को उसको जब हम लिखेंगे ना, तब अपने दिमाग में जाता है कि हाँ भैया ये ऐसे हो रहा है, हम कहाँ पे गलती करते हैं। हमें एग्जाम में सोचना नहीं होता, हमें उसको लिखना होता है डियर, और उसके लिए आपको बेस्ट मटेरियल से लिखना है। अब आपको कहोगे कि बेस्ट मटेरियल यानी कि मैंने जो आपको बता दिया कि आपको, मैंने आगे भी आपको बताया, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं,
इंस्टेंट टेस्ट वाले में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप क्या कर सकते हो भैया, यहाँ पे इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। उस्वाल गुरुकुल की बुक है जिसमें आपको क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ भी आपको एमसीक्यू जिसमें सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो और इसमें से आप जरूर से राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसकी एक्चुअल में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार होता है कि स्टूडेंट राइटिंग प्रैक्टिस करता है बट गलत क्वेश्चंस होता है, गलत मटेरियल होता है। तो इज द बेस्ट वे कि आपको भैया सही मटेरियल सही क्वेश्चंस के साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सही तरीके से वो चीज़ें याद रहे। एंड एक बार लिखना यानी कि 7 बार पढ़ना, तो लिखना ज़रूर से शुरू करिए। उस्वाल गुरुकुल की बुक आपको मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप अभी इसे परचेज कर सकते हो। तो आई होप मेरी पॉजिटिव आर्मी आप ये 5 चीजों का यूज जरूर से करें एंड आपको डेफिनेटली कोई भी चीज होगी कितनी भी हार्ड होगी तो आप उसे इजीली याद रख सकोगे। इन 5 चीजों का यूज करें एंड मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 12th के लिए, उस्वाल गुरुकुल की बेस्ट बुक की लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया, उस लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से अपनी बुक को ऑर्डर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।